नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। आप देख रहे हैं एन भारत। रुख करेंगे आज की खबरों की ओर। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है, जिसमें 6 माओवादी मारे गए हैं और 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिला अध्यक्ष रोहित राज ने पुलिस और नक्सलवादियों के बीच हुई मुठभेड़ की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने बताया है कि घायल जवानों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने के मामले में मूर्तिकार जयदीप आपटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको कल्याण से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने उसकी तलाश के लिए 7 टीमें गठित की थी। हालांकि जयदीप आपटे की गिरफ्तारी के पीछे उसकी पत्नी का हाथ बताया जा रहा है। जयदीप आपटे अपने परिवार से मिलने घर पहुंचा था। आपटे ने पत्नी को जानकारी दी थी कि वो घर वापस आ रहा है और इसके बाद पत्नी ने यह जानकारी पुलिस को दे दी। आपटे के परिवार वाले चाहते थे कि वो पुलिस की जांच में सहयोग करे। खबर कासगंज से है, जहां महिला वकील का शव गोहरा नहर में मिला है। महिला अधिवक्ता बुधवार दोपहर से गायब थी। महिला के पति ने जानकारी दी थी कि वो महिला वकील को कचहरी छोड़कर गए थे, लेकिन कुछ देर बाद ही महिला वकील का फोन स्विच ऑफ आने लगा। साथ ही वकीलों और परिजनों ने काफी खोजबीन की। जब महिला वकील नहीं मिली तो पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने खोजबीन भी की और महिला वकील का शव नहर में मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दिनांक 3/9/2024 को श्री ब्रजेंद्र तोमर द्वारा थाना कोतवाली काजगंज पे एक सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी पत्नी, जिनका नाम श्रीमती मोहिनी तोमर है, जो कि जिला न्यायालय में महिला अधिवक्ता हैं, उनको उन्होंने लगभग 2 बजे जिला न्यायालय पर अपनी गाड़ी से छोड़ा था और उसके बाद से वो न्यायालय से वापस नहीं आई है और उनका फोन से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस सूचना पर तत्काल उनकी दी गई तहरीरी सूचना पर थाना। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का 120वां प्रकाश पर्व मनाया गया है, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित पुरुष, महिलाएं और बच्चों ने भव्य पालकी को अपने कंधे पर उठाकर कीर्तन किया है। वहीं शबद चौकी के मार्ग को गुब्बारों और फूलों और बिजली की झालरों से सजाया गया था। आपको बता दें कि महामंत्री हरमिंदर सिंह टीटू की देखरेख में कार्यक्रम का आयोजन सम्पन्न हुआ। नहर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान में शामिल होने के लिए ब्रज क्षेत्र कार्यालय आगरा पहुंचे, जहां पार्टी पदाधिकारियों को सदस्यता दिलाई गई और बीजेपी सदस्यता अभियान से जोड़ने के लिए लोगों से अपील की गई है। सदस्यता अभियान में सांसद एसपी सिंह बघेल समेत कई विधायक मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता पर्व के उत्सव पर उपस्थित इस क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष, इस जिले के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री माननीय बघेल साहब, हमारे साथी माननीय धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर के एवं जिला के भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्षगण उपस्थित। गाजीपुर के मनिहारी ब्लॉक के हरिहरपुर गांव में ग्रामीण पेड़ों पर रस्सी के सहारे चारपाई का मचान बनाकर रहने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इस गांव में अभी तक आवास योजना नहीं पहुंची है। ग्रामीणों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से कागजों में इस गांव को आवास योजना से पूर्ण दिखाया गया है। साथ ही ग्रामीणों द्वारा कई बार इसकी शिकायत ग्राम प्रधान और जनपद के अधिकारियों से की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। गांव में ज्यादातर मकान या तो कच्चे हैं या झोपड़ी में बने हुए हैं और साथ ही बरसात के दिनों में झोपड़ियों में सांप बिच्छू घुस जाते हैं, जिससे लोगों को जान का खतरा बना रहता है और ये लोग अपनी सुरक्षा को देखते हुए मचान पर रहने को विवश होते जा रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार उनकी समस्या पर ध्यान दे और उनके गाँव का नाम पीएम आवास पोर्टल पर दर्ज हो। प्रधानमंत्री आवास योजना जब 2015-16 में शुरू हुई,
तब से लेकर आज तक लगभग 8-9 वर्ष हो गए, इस हरिहरपुर गांव में जो मनिहारी ब्लॉक में पड़ता है, एक भी प्रधानमंत्री आवास यहां पर नहीं पहुंचा। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो प्रति वर्ष 20 आवास इस गांव को मिलना चाहिए, लेकिन 9 वर्षों में 180 से ऊपर गांव में आवास आने चाहिए थे, लेकिन एक भी नहीं आए। इस कारण लोग इंतज़ार करते रहे कि अब आवास आएगा, तब आवास आएगा, पैसा किसी के पास है नहीं, गांव के अधिकांश लोग मजदूरी का काम। गाजीपुर जनपद में लगभग 49 गाँव पंचायतें, जो नया परिसीमन हुआ था, नई ग्राम पंचायतें बढ़ी थी, तो पुरानी गांव पंचायतें से अलग नहीं हो पाया था डाटा भारत सरकार में, जिसके कारण लगभग 49 गांव पंचायतों में आवास का सर्वे पिछली सर्वे में नहीं हो पाया था। इस बार सभी 49 गांव पंचायतों का सर्वे होगा, सब अलग हो गई गांव पंचायतें, सभी में सर्वे करने वाले अधिकारी जो है नियुक्त कर दिए गए हैं, और 15 दिन बाद जब सर्वे की डेट आएगी भारत सरकार से, तो सभी में सर्वे होगा, इस बार सबको आवास में जोड़ा जाए। गाजीपुर जनपद में लगभग 49 गांव पंचायतें, जो नया परिसीमन हुआ था, नई ग्राम पंचायतें। पीलीभीत में पूरनपुर भारतीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा सहित एक दर्जन से ज्यादा लोगों ने रामपुर तालुके महाराजपुर निवासी चंगेज खान को 1 सितंबर की रात बेरहमी से पीटा था। बाद में युवक को अपनी कार में डालकर ले गए थे और कार में उस पर चाकू से हमला किया, और मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी हिंदू संगठन ने नोकझोंक की। इसके बाद भी स्थानीय पुलिस ऐसे गुंडों पर मेहरबान है। आपको बता दें कि घायल युवक अस्पताल में भर्ती है और युवक के परिजन न्याय के लिए कोतवाली के चक्कर काट रहे हैं। ये मामला आज हम लोग इस पर धरने पर भी बैठे थे और हमने आइंदा धरने का अल्टीमेटम भी दिया है। दरअसल ये 1 तारीख की रात में, 1 सितंबर की रात में इसी महीने की, एक यहाँ चंगेज खान नामक एक लड़का है, उसका रामपुरा का, वो यहाँ जॉब करने आता है, पूरनपुर आता था, वो शाम को जा रहा था, रात में 8:30-9 बजे की बात है। तो आसाम चौराहे पर, जो बंडा चौराहा है, बंडा चौराहे पर एक यहाँ संजय मिश्रा है, वो मोनू मानेसर, जो हरियाणा का। ये धरना 1 सितंबर की रात को, चंगेज खान एक मुस्लिम समुदाय का लड़का है जो पूरनपुर में जॉब करता है, रोज़ाना की तरह वो उस दिन भी 1 सितंबर की रात को भी अपने गांव रामपुरा तालुके महाराजपुर जा रहा था। वहां पर बंडा चौराहे पर संजय मिश्रा नामक व्यक्ति व उसकी टीम के लोगों ने उसको घेर कर उसकी मॉब लिंचिंग की, उसको बड़ा बेरहम खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां जिले के ठठिया थाना क्षेत्र के ग्राम गदनपुर निवासी कृष्ण की जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया। बीते 1 अगस्त को चकबंदी अधिकारी द्वारा मापी कराकर वृद्ध को जमीन पर कब्जा दिलाया गया है। 4 दिन बाद फिर गांव के दबंगों राजीव, शैलेंद्र, देवेंद्र और विनोद के द्वारा वृद्ध की जमीन की मेड़ तोड़कर अवैध कब्जा कर लिया गया। जब वृद्ध व्यक्ति द्वारा इसका विरोध किया गया तो उसके ऊपर हमला कर दिया गया है। वृद्ध कृष्ण ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद और उप जिला अधिकारी से की है, लेकिन अभी तक दबंगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चकबंदी में 2 चक बनाए गए, 2 भाइयों के, और 1 चक में 450 नंबर बड़े भाई का और 451 नंबर छोटे भाई का, श्री कृष्ण का, और वो साहब बड़े भाई के लड़के भतीजे लड़के हैं और साहब नाती मेरे सी साहब जाके बनवाई, और बनवाई कह रहे भाई 1 तारीख को बनवाई और 4 तारीख को शाम को 5 बजे गिराई दी, और जब गए तो मारने तोड़ने हमने कई बार भैया कहा गिराई तो मेरे भाई तुरंत दौड़ गया और हमें खदेड़ लो, तो भाग जाओ ने मार दी गोली। हम घर आए अभी सवेरे, हमारे 5 तारीख का ये एप्लीकेशन लिखाई कह रहे एस डी एम साहब के। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सिद्धार्थनगर जिले के बासी कोतवाली क्षेत्र के गोहना ताल की रहने वाली महिला के साथ एम्बुलेंस में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। वारदात छावनी थाना क्षेत्र के NH 28 पर हुई। महिला ने आरोप लगाया है कि विरोध करने पर एम्बुलेंस कर्मियों ने उसके पति को बाहर फेंक दिया, जिस कारण पति की मौके पर मौत हो गई है, और साथ ही पीड़ित महिला ने लखनऊ के थाना गाजीपुर में 1 अक्टूबर को तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने एम्बुलेंस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मेरी तबीयत खराब रहा 15-20 दिन से, तो बस्ती पहले लेके गई थी, बस्ती लेके गई थी तो एक दिन दवा भाई
फिर वहाँ से बोलना कि इनके लखनऊ लेके सीधे जा। फिर लखनऊ लेके गईली तो बोलना कि मेडिकल में, तो मेडिकल में लेके गईली तो वहाँ ना ही दवाई गया भाई, वहाँ बेडे नहीं खाली रहा। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इम्पीरिया हॉस्पिटल में भर्ती कैली। फिर उनके दुई एक दिन ना इलाज भैल, फिर पैसा के दिक्कत हो लागल। तो हम बोल ग्राम गुनाहताल पोस्ट सिहनिया थाना क्षेत्र वासी जनपद सिद्धार्थ नगर के पीड़िता के द्वारा थाना गाजीपुर पर एक तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि इनके पति का इलाज इम्पीरिया न्यूरो हॉस्पिटल गाजीपुर थाना क्षेत्र में चल रहा था। कुछ कारणों में ये अपने पति को अपने घर ले जाना चाहती थी। इस दौरान एम्बुलेंस करके घर ले जाते वक्त रास्ते में एम्बुलेंस के चालक और उसके साथी के द्वारा इनके साथ छेड़छाड़ की घटना की गई। इसके अलावा इनके जो बीमार पति हैं उनको जो ऑक्सीजन सपोर्ट लगी थी उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया गया, साथ ही इनके पति को भी बाहर भेज दिया गया। खबर फरुखाबाद से है, जहां भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने बरौन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जहां 45 कर्मचारियों में से केवल 6 कर्मचारी ही मौजूद थे। वहीं इसको लेकर सांसद ने कहा कि अस्पताल में चारों ओर गंदगी का अंबार मिला, ऐसी गंदगी कहीं नहीं देखी है। स्टोर रूम में लाखों की संख्या में एक्सपायरी टैबलेट्स मिले हैं। आइए आपको सुनाते हैं इस पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का क्या कहना है। माननीय सांसद जी के इंस्पेक्शन करने के तुरंत बाद मुझे सूचना मिली, तब मैं वहाँ पहुँचा। जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो वो बात बिल्कुल सत्य थी और वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी के साथ साथ फटे हुए मैट्रिसेस और एक कमरे में एक्सपायर्ड मेडिसिंस। हालांकि फार्मासिस्ट का कहना ये था कि ये मेडिसिंस एक्सपायर हो चुकी हैं। अगर एक्सपायर हो चुकी थी तो उनको एक सूचीबद्ध करके, एक लिस्टिंग करके और CMSD हरियाली जहां से आती है वहां इन्फॉर्म कर। खबर पीलीभीत से है, जहां वन्य जीवन का शिकार करते हुए शिकारी को वन दरोगा मंगली प्रसाद ने मौके पर पकड़ लिया, साथ ही शिकार किए गए मांस को भी बरामद किया गया है। पकड़े गए शिकारी को दरोगा ने सांठ काट कर छोड़ दिया है। सूत्रों की माने तो कुछ शिकारी हर महीने शिकार करने के लिए विभाग को पैसे देते हैं। रेंज की खुली सीमाओं की वजह से सांठ काट कर वन्य जीवों का शिकार किया जाता है। खबर है कि देवरिया रेंज की चौकी पर पकड़े गए आरोपी को सांठ काट से दरोगा ने छोड़ दिया है। भाजपा ने पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाया है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके की है। वहीं इसको लेकर पूर्वी चंपारण विधानसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने भी अभियान का शुभारंभ किया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार के द्वारा किया गया था। हर 6 साल के बाद हम लोग सदस्य बनाते हैं, सदस्य बनते भी हैं। देखे होंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी सदस्य बने, हम सब लोग सदस्य बनेंगे और बनाएंगे भी। पार्टी ही हमारी मुख्य ढंग से कैसे स्ट्रांग हो, पहले से भी स्ट्रांग रही है और मजबूत हो कैसे, इसका हम सब लोग प्रयास करते हैं। अरे तेजस्वी जी के आने और जाने से कोई फर्क पड़ता है? 1990 से लेकर 2005 तक उनके पिताजी को, उनके माताजी को समय दिया गया था, जंगल राज था। आज फिर बिहार की जनता जंगल राज की तरफ। खबर बिहार के रोहतास से है, जहां बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर खालिद अनवर अंसारी के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि पटना के एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया, जिसके बाद पूर्व मंत्री के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव भेजा गया, जहाँ जिला अधिकारी नवीन कुमार और SP विनीत कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फादर को खो के बहुत ही, मतलब ये पूरी डेहरी हमसे उनके लिए बहुत ही, पूरे डेहरी क्या पूरे देश के लिए बहुत ही क्षति, मतलब क्या कहे, ये हम लोग के लिए बहुत ही भयानक क्षति है, जिसका कोई भी मतलब पूर्ति नहीं हो सकता है, किसका पूर्ति नहीं कर सकते। हम अपने पापा को यहाँ लाए हैं
टेहरी ओनसोन में, यहीं पे उनका जन्म हुआ, यही टेहरी ओनसोन में इनका जन्म हुआ, निधन वेदांता में हुआ, काफी दिन से वो बीमार। खबर बिहार के सहरसा से है, जहां जल शक्ति विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जहां भाजपा के सदस्यता अभियान में शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में स्थानीय बीजेपी विधायक डॉक्टर आलोचन रंजन झा, जिला अध्यक्ष दिवाकर सिंह समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। सदस्यता अभियान समाप्त होने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने अतिथि गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। जो भी हो रहा है, अपराधी कितने भी साथी क्यों ना हो, लेकिन अपराधी पकड़े जा रहे हैं, क्राइम का उद्भेदन हो रहा है, तो बक्से नहीं जा रहे हैं, इसलिए सुशासन की सरकार है और अपराध का ग्राफ बहुत घटा है। पहले से जो जंगल राज में स्थिति थी उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, हर क्षेत्र में, चाहे अपराध का क्षेत्र हो या विकास की बात हो उसमें। तो इसीलिए उनका काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देश प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एन भारत।